सत्रह लगातार चल रहा, लेकिन किसने किसने बोला 70,000 खाली? किसने आती थी शिक्षक नियमितीकरण? क्यों, नाम क्या है उनका? आती थी, आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो दो तीन विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान हैं और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते हैं पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बच्चे हैं, तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशेष में वहाँ ले जाने का काम किया, हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12,000 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई, तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद।